हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ कोविड-19 का जो सर्टिफिकेट है उसको आप कैसे एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए रजिस्टर करते समय या वैक्सीन लेते समय आपका जो कोविड-19 का जो सर्टिफिकेट है उस पर आप कुछ गलत एंटर कर दिए। मान लीजिए जैसे कि हो गया आपका नेम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका जेंडर या आपका डॉक्यूमेंट नंबर, अगर ये सब आप गलत यहाँ पर दे दिए तो इसको आप कैसे सही करेंगे, कैसे इसको करेक्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आपको कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है, मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र खोल लिया हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है cowin.gov.in। तो ये आपको एंटर करने के बाद आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है कोविड-19 का, तो इस पर आप आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा रजिस्टर एंड साइन इन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये एंट्रेंस खोल के आएगा, तो यहाँ पर आपको आपको जो नंबर है ये आपको यहाँ पर इनपुट करना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पर डाल के आप इसको पहले लॉग इन कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर मेरा जो नंबर है वो डाल दिया हूँ। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे मोबाइल पे जो ओटीपी है वो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ पर अभी जो मेरा OTP है मैं यहाँ पर डालूंगा, उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पर मेरा जो OTP है मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो ID है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। तो देखिए मेरा जो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो करेक्शन करूँगा, मेरा नेम है वो यहाँ पर करेक्शन करूँगा, क्योंकि मेरा जो ये नेम है ये मैंने गलत यहाँ पर रजिस्टर कर लिया था। यहाँ पर जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है राइज एंड इशू, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल जाएगा, करेक्शन इन माई सर्टिफिकेट रिगार्डिंग नेम, एज, सेंडर एंड फोटो ID। उसके बाद आपको मार्ज माई मल्टीपल डोज, आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज दोनों को मार्च कर सकते हैं। एंड पासपोर्ट जो है, आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं। कुछ अगर मान लीजिए आपको बाहर जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो आपको जो पासपोर्ट है वो यहाँ पर सर्टिफिकेट के साथ मार्च करना होता है। तो यहाँ पर आप जाके आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मार्च कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट अननोन नंबर रजिस्टर विथ माई कोविन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका जो नंबर है वो गलत रजिस्टर करते हैं गलत अकाउंट के साथ, तो आपको यहाँ पर जाना होगा। तो मैं यहाँ पर मेरा जो नेम है वो यहाँ पर करेक्शन करूँगा। आपका अगर नेम या एज या जेंडर या फोटो ID, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट आईडी है वो आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पर आपको जाना होगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आ गया है करेक्शन इन वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर देखिए जो नेम है वो है PAM पोम्पी दास, ठीक है। यहाँ पर जो नेम है PAM PI पोम्पी दास, लेकिन मुझे यहाँ पर करना है POM PI पोम्पी दास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद करेक्शन इन माई सर्टिफिकेट यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको चार ऑप्शन मिल जाएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड फोटो आईडी नंबर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नेम करेक्शन करते हैं तो आपको नेम पे सिलेक्ट करना होगा, अगर डेट ईयर ऑफ बर्थ करेक्शन करना है तो ईयर ऑफ बर्थ पे क्लिक करना होगा, अगर आप जेंडर पे जेंडर चेंज करना चाहते हैं, जेंडर करेक्शन करना चाहते हैं तो जेंडर पे क्लिक करना होगा, अगर आप फोटो आईडी नंबर चेंज करना चाहते हैं तो फोटो आईडी नंबर पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर नेम पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा नेम करेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एंटर करेक्ट नेम, तो यहाँ पर जो आपका नेम है, जो करेक्ट नेम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, यहाँ पर टाइप कर देना है करेक्ट नेम। तो चलिए मैं यहाँ पर मेरा जो नेम है वो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो देखिए मेरा जो पहला था PAM PI पोम्पी दास, तो यहाँ पर मैं कर दिया हूँ POM PI पोम्पी दास, ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए एक बार आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिएगा, प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल्स करेक्ट केयरफुल्ली। तो देखिए मैं यहाँ पर POM PI DAS, तो ठीक है मैं यहाँ पर, तो उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए रिक्वेस्ट योर वैक्सीन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर रिक्वेस्टिंग पे चला गया और यहाँ पर लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड इज इट अंडर प्रोसेसिंग, लेकिन
यहाँ पर इसका जो आपका जो करेक्शन किया है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखाएगा, लेकिन ये साथ साथ ही ये आपका जो करेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बैक करूँगा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने मेरा जो पहला था PAMPI DAS, तो यहाँ पर हो चुका है POMPI DAS, तो ये साथ साथ ही हो जाता है। तो आप देख भी सकते हैं ट्रैक करके आपका जो नेम या आप जो कुछ भी अब चेंज किया है वो यहाँ पर कौन से स्टेटस में है। तो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, देखिए अपडेट सक्सेसफुली, कैंडिडेट डाउनलोड योर सर्टिफिकेट नाउ। तो यहाँ पर मैंने देखिए, मैं यहाँ पर जो मेरा सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ, सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने से आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं और आपका जो मोबाइल में भी कर सकते हैं। कोई भी ब्राउज़र खोल के, आप क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए, उसके बाद क्रोम ब्राउज़र खोल के आप यहाँ पर भी लॉगिन करके सेम प्रोसेस मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट को ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद देखिए, मैं यहाँ पर जो नेम है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से आप आपका जो सर्टिफिकेट है वो आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो COVID-19 का सर्टिफिकेट है वो आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नेम हो गया, एज हो गया, उसके बाद जेंडर हो गया, या आपका आधार नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, कोई भी फोटो आईडी नंबर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो करेक्शन है वो साथ साथ में सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद आप डाउनलोड करके इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।